प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग सेवन एलिमेंट्स। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि m इंटू n क्या होता है। ये हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको बोले 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 एलिमेंट्स होंगे। अगर 5 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, सो इट विल हैव 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स का हमें पता करना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। तो इसका मतलब है कि m इंटू n इट शुड बी इक्वल टू 7। तो हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्स बना लेते हैं। देखिए, ये 1 × 7, एक तो ये ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर इसी का उल्टा 7 × 1 होगा। इसके अलावा, इन दो पॉसिबल ऑर्डर्स के अलावा और कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा जिसमें 7 एलिमेंट्स टोटल आएंगे। तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा? 2 1 × 7 और 7 × 1। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कह रहा कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स। देखिए, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3 × 2 ऑर्डर का। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे? नंबर ऑफ रोज रहेंगे 3, रहेंगे ना? तो आप लोग 3 सपोज ये रहेगा इस तरीके से, 1 2 3, 3 रोज रहेंगे। और कॉलम कितना रहेगा आपका उसमें? कॉलम विल बी 2। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉलम हो जाएगा 2। मतलब इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉलम 1, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो 1, ये वाला रो 1, ये आपका हो जाएगा रो 2, और ये आपका हो जाएगा रो 3। अभी एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, आप जैसे ही a11 निकालोगे, तो a11 क्या आ जाएगा हमारा? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा? aij = 2i-j, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। a11 हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 2 × 1 - 1, दैट विल गिव यू 2 × 1 2 - 1 1। फिर हम लोग निकालते हैं a12, a12 हो जाएगा 1 और 2, तो 2 × 1 - 2 0। हम लोग निकालते हैं a21 क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 1, तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, हम लोग निकालते हैं a22 हो जाएगा 2 × 2 - 2, तो 2। फिर हमारा आ जाएगा a31, निकालते हैं हम लोग a31, ये वाला a31, 2 × 3 - 1, तो हमारा 5। और लास्ट ये वो 32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 3 - 2, 3 × 4। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो बना देते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4। ये ए हो गया हमारा सब कुछ, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू।